नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में धर्मांतरण का घिनौना खेल जारी है। कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण को लेकर सियासत अब देश में गर्मा गई है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने धर्मांतरण को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि वही अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हैं जो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून का विरोध कर चुके हैं। तो देश में धर्मांतरण के मामले सामने आने से अब सियासत बेहद गर्माई हुई है। जम्मू कश्मीर से यह खबर आई है कि दो सिख लड़कियों का अपहरण करके जबरदस्ती उनका निकाह और इस्लामी धर्मांतरण करा दिया गया। इस पूरे मामले में अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है। श्रीनगर वो पहुंचे हैं जहां सिख समुदाय के तमाम लोगों के साथ उन्होंने विरोध दर्ज कराया और लगातार अब उनकी तरफ से यह मांग की जा रही है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में भी अब इस प्रकार के धर्मांतरण और निकाह को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार से उन्होंने यह अनुरोध किया है। आपको बता दें, जिन दो सिख लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया है उनमें से एक लड़की की शादी जबरन एक मुस्लिम लड़के से करा दी गई है। उस लड़की का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कहां है। और ये जो घटना है ये जम्मू कश्मीर के दो अलग अलग जगहों पर सामने आई है, जिसमें एक घटना बड़गाम जिले में हुई है तो दूसरी महजूर नगर की है, जहां दो सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया गया है। तो लगातार देश में ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार अब जो मामले सामने आ रहे हैं, सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अकाली दल की ओर से कड़ा विरोध जताया जा रहा है। उन्हें कहा है कि ये साफ तौर पर जो मामला है वो लव जिहाद का है और सरकार इस मामले में कार्रवाई करे, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। आपको बता दें, श्रोमणी अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जो लगातार कड़ा विरोध जता रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार कड़ा कदम उठाए। यहां तक कि गृहमंत्री अमित शाह से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि गृहमंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर निगरानी उन्होंने बना रखी है और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी लगातार वो संपर्क में है। ये आश्वासन उन्हें दिया गया है कि दोनों सिख लड़कियों को जल्द ही उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, अकाली दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो अब सवालों में घिर चुके हैं। उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि लव जिहाद कानून और धर्मांतरण कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जब ये लव जिहाद कानून लाया गया था, इसे बनाया गया था, तो हिंदू धर्म को ये कहते हुए उन्होंने एक कमजोर धर्म कहा था कि अगर किसी धर्म को अपनी रक्षा के लिए कानून की जरूरत पड़े तो वो धर्म पाप है। तो ये टिप्पणी वो कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो लव जिहाद कानून को लागू किया गया था उसका विरोध वो जता चुके हैं, लेकिन अब अपनी ही जुबान से पलट रहे हैं और जब अपने धर्म पर बात आई है तो इस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में ये धर्मांतरण कानून लागू किया जाए, इसकी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरी घटना पर ट्वीट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह से ये मांग की है कि जम्मू और कश्मीर में सिख नाबालिग लड़कियों के जबरन निकाह को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर कानून लागू किया जाए, जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह के लिए जो परिवार है, जो माता पिता है, उसकी मंजूरी जरूरी हो। तो ये मांग अब उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, श्रीनगर में जाकर उन्होंने विरोध जताया और गृहमंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बातचीत की है। तो आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह बताया है कि गृहमंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के वो संपर्क में है, पूरी घटना को लेकर स्थिति पर वो निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
जाएगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सिख प्रतिनिधि मंडल कल दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेगा। तो फिलहाल अल्पसंख्यक सिख लड़कियों को लेकर जिस तरीके की घटनाएं लगातार जम्मू कश्मीर में सामने आ रही है, जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, फिर उनका निकाह कराया जा रहा है, इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इसको लेकर अब केंद्र सरकार सतर्क है। और सवाल उन लोगों पर उठ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। ये कह रहे हैं कि 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में की जाए, लेकिन किस तरीके से वहां धर्मांतरण हो रहा है, जबरन वहां एक विशेष धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस्लाम उन्हें जबरन कबूल करवाया जा रहा है, और इसको लेकर अब महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और यहां तक कि खुद कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले पर उनकी एक भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। सवाल राहुल गांधी से भी है जो लगातार जम्मू कश्मीर में तमाम टिप्पणी करते हैं, उनके नेता आर्टिकल 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में की जाए इसका समर्थन करते हैं। तो ऐसे में सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है कि इस तरीके से देश में धर्मांतरण की तमाम साजिश चल रही है, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जाहिर तौर पर वो किस तरीके का राजनीति करते हैं, किस तरीके से वोट बैंक के लिए एक विशेष धर्म को तवज्जो देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अकाली दल के सुर बदल रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ये कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी दल ने हमारा साथ नहीं दिया है और इस पाप पर तमाम लोग चुप बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसका विरोध दुनिया भर में हो रहा है। तो तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन इस बात की जानकारी भी दी गई है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, उन्होंने मुलाकात की है इस पूरे मामले पर, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया गया है। तो ये तमाम जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन अब लव जिहाद पर और इस धर्मांतरण पर केंद्र सरकार कानून बनाए, इसकी मांग अब सिख नेताओं की तरफ से जम्मू कश्मीर में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो आपको बता दें लव जिहाद कानून, धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और उसके बाद लगातार कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, लालच देकर, पैसों का लालच देकर, नौकरी का झांसा देकर इस तरीके से धन परिवर्तन कराया जा रहा है। और हाल ही में दो लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से जो मुकबादिर बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, मानव बम बनाया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें उनका इस्तेमाल किस तरीके से देश को खोखला करने के लिए किया जाए, ये तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं, जिसका खुलासा हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस की ओर से किया गया था। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को यह धर्मांतरण कानून लागू हुआ था और जिसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें जो लोग डराकर धमकाकर शादी का लालच देकर महिलाओं का जबरन धर्मांतरण करा रहे थे और जबरन उन्हें इस्लाम कबूल करवा रहे थे, अब तक लगभग इस पूरे कानून के तहत 50 से ज्यादा FIR अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुकी है और सबसे ज्यादा FIR पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जोन में दर्ज की गई है। इसके अलावा बरेली से लेकर गोरखपुर जोन में भी लगातार ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश की एटीएस जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, तार जो है वो बिहार तक जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस अब बिहार तक पहुंच गई है और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर रही है, क्योंकि ये देश के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा बन चुका है। और यही वजह है कि जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि मुकबधिर बच्चों और महिलाओं को जबरन जो है इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस अब देश के अलग अलग 8 राज्यों में इस धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए फिलहाल काम कर रही है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। और जम्मू कश्मीर में भी अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से यह
आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जो भी लोग जुड़े हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराह ने ट्वीट किया है, मंजिंदर सिंह सिरसा को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जब लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाया गया तो सीए का विरोध करने वाला गद्दार मंजिंदर सिंह सिरसा बोल रहा था कि हिंदू धर्म कमजोर है, लेकिन अब कश्मीर में चूंकि 4 सिख बेटियों के जबरन निकाह पर ये अब कहीं ना कहीं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और यूपी की तरह लव जिहाद विरोधी कानून बनाया जाए इसकी मांग की जा रही है। अब क्या सिख समुदाय कमजोर हो गया है? ये सवाल उनसे जाहिर तौर पर पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरीके से उस वक्त टिप्पणी क्यों की थी, क्यों लव जिहाद का विरोध कानून का विरोध किया गया था। ये तमाम सवालों में फिलहाल मंजिंदर सिंह सिरसा घिरे हुए हैं, लेकिन देश में धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार से लेकर तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे गिरोह को जिस तरीके से देश में काम कर रहा है इसका पर्दाफाश यूपी एटीएस लगातार करने में जुटी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।